देखिए, एक बहुत अहम मुद्दा जो था, मैंने मुख्यमंत्री साहब को ये कहा कि अगर ज़िला परिषद के बच्चे, सिर्फ अगर गरीब बच्चे हैं तो उनको आप टीम के शेड के नीचे, इमारतें इतनी ख़राब है, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उनको बेहतर बनाने के लिए आपको फैसला करना पड़ेगा। सीएसआर फंड जो होता है वो कंपलसरीली स्कूल के, ज़िला परिषद के जितने भी ज़िले के स्कूल्स हैं उनके इमारतों को बेहतर बनाने के लिए। तो सेक्रेटरी ने बताया कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर करीब 300 ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी इमारतें बहुत ख़राब है, निज़ामकालीन टाइम का है, टॉयलेट्स नहीं है, ये नहीं है। तो उसके लिए जो फंड्स इकट्ठा करने का है, वो फंड्स हमने कहा कि सीएसआर फंड में से ले लीजिएगा या कोई भी दूसरा फंड लेके एक बात तय कर लीजिएगा कि कोई भी स्कूल ज़िला परिषद की टीम के शेड के नीचे है तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं करके। ये एक मुद्दा ले लिया। हमने कहा कि औरंगाबाद से शिरडी जाने के लिए जो रास्ता है, इतने श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आप जल्द से जल्द फैसला, वो उन्होंने माना है। घाटी के हॉस्पिटल के अंदर जो कमियां है उसके लिए पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने मंगाई है और एक विशेष बैठक उसके लिए लेने वाले हैं। औरंगाबाद में जो 200 बेड का हॉस्पिटल, वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्णय लिया गया था, सरकार को ये बताया गया कि इसका अप्रूवल मिल गया है, इसका हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दे दिए है, लेकिन पैसा नहीं दिए है। तो अब वो पैसा देने के लिए 112 करोड़ रुपये की कुछ उन्होंने मांग रखी है। तो सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इसके ऊपर है तो प्रस्ताव सरकार के पास देंगे और मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि वो 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए भी वो पैसा देंगे। देखिए, पानी पुरोठा योजना के बारे में यही बात थी कि पिछले 5 सालों से औरंगाबाद में जो पानी की समस्या है वो वैसी की वैसी इसलिए थी क्योंकि महानगर पालिका के जो पदाधिकारी है वो चाह रहे थे कि ये कई हज़ार और कई 100 करोड़ रुपये की जो स्कीम है वो हम खुद करेंगे। और अब जब ये 1650 करोड़ रुपये की स्कीम आई तो ये तय था कि ये स्कीम MJP के ही ज़रिए कराई जाएगी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ज़रिए। लेकिन कल रात में सेना के पदाधिकारियों ने एक नोट सर्कुलेट किया और ये मांग की कि MJP सक्षम नहीं है, ये स्कीम हमने ही चलाना चाहिए। हमने इसका विरोध किया और ये स्कीम अब सरकार ने ये तय किया है कि ये MJP के ही ज़रिए कराई जाएगी। तो बहुत मुमकिन है कि इसका कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू होगी और 1 साल 1.5 साल के अंदर औरंगाबाद की जो कई सालों की पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल।